नमस्कार मित्रों, तो शुरू करते हैं हम लोग का अपना कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। इस तस्वीर को पहले देखें, इस चित्र को। इस चित्र से संबंधित प्रश्न होगा आज का प्रथम प्रश्न। इस चित्र में गांधी जी के छड़ी पकड़कर खींचने वाला बच्चे का नाम क्या है? ए कनु भाई गांधी, बी मनु भाई गांधी, सी गोपाल कृष्ण गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत चर्चित चित्र है, मुंबई के जुहू बीच का है, ऐतिहासिक चित्र। तो सही जवाब इसका है कनु भाई गांधी। हाल ही में इनका देहांत हो गया था, नासा के साइंटिस्ट भी रहे। अगला प्रश्न, अगर किसी खाद के बैग पर NPK लिखा है तो इसमें K का क्या अर्थ है? ए कोंकण, बी पोटेशियम, सी केरल, डी खरीफ। जो फर्टिलाइजर होते हैं उनमें अगर NPK लिखा है फर्टिलाइजर के बोरे पर, तो K का क्या अर्थ है? सही जवाब है पोटेशियम। के पोटेशियम का सिंबल है, लेटिन में ये कैलियम नाम है इसका, और NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हुआ। CaN भी लिखा रहता है, अगर CaN लिखा है तो कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट होगा। अगला प्रश्न, अभिनेता राजपाल यादव ने कौन से राजनीतिक दल का स्थापना किए हैं? ए समाज सहायता पार्टी, बी आनंद सभा पार्टी, सी सामाजिक पार्टी, डी सर्व संभव पार्टी। अभिनेता राजपाल यादव ने चुनाव लड़े थे यूपी से। तो देखते हैं इसका सही जवाब, सर्व संभव पार्टी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है, यानी किडनी में जो पथरी होते हैं? ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी सोडियम एसीटेट, सी कैल्शियम ऑक्जलेट, डी सल्फर। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किससे बनी होती है? तो देखेंगे सही जवाब, सी कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से देश का आजादी दिवस एक वर्ष में सबसे पहले मनाया जाता है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी भारत। सही जवाब है श्रीलंका। 4 फरवरी को मनाता है, बांग्लादेश 16 दिसंबर, पाकिस्तान 14 अगस्त और हम लोग का तो 15 अगस्त है ही। तो अगला प्रश्न, वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है? ए सेंट्रल डिपार्टमेंट, बी डायरेक्टर काउंसिल, सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर। तो सही जवाब है सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगला प्रश्न, बलवंत बोल्ड, लक्ष्मी 52, नरेंद्र 10, ये सभी किनके प्रकार हैं? ये नींबू, बी आंवला, सी संतरा, डी अमरूद। सही जवाब है बी आंवला। अगला प्रश्न, पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय किस पर्वत का उपयोग किया गया था? ए मंदार पर्वत, बी पारसनाथ पर्वत, सी नंदन पर्वत,
डी वासुकीनाथ पर्वत। मित्रों आप सब मेरे वीडियो को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक देते हैं, शेयर करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही जवाब देखते हैं, ये मंदार पर्वत। तो मित्रों आज भी इस बात पर एक लाइक दे दे, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, साथ रहिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देशी रियासत 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ था? ए ढाका, बी जूनागढ़, सी बॉम्बे, डी लखनऊ। जब देश आज़ाद हुआ था ये भारत या पाकिस्तान किसी में शामिल उस वक्त नहीं हुआ था। मित्र एक लाइक दे दीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है बी जूनागढ़। जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर उस वक्त दोनों देशों में से किसी में शामिल नहीं हुआ था, बाद में जूनागढ़ और हैदराबाद कश्मीर सब भारत में आ गए। अगला प्रश्न, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले प्रथम नायक यानी एक्टर कौन थे? ए MGR, बी KCR, सी शत्रुघ्न सिन्हा, डी जयललिता। सही जवाब है MGR, मुरुदुर गोपालन रामचंद्रन। और जयललिता एक्टर नहीं एक्ट्रेस है, इस बात पे वो नहीं होगा आंसर। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, साथ बने रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। मिलते हैं।